वेलकम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाम एनालिसिस विद विंध्याचल ठाकुर पे। और आपके इस पाम को आज हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आगे की स्थितियाँ क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे की है नहीं रेखाएं, ऊपर से ही देखते हैं। आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो एक साथ चली आ रही है, उनकी स्थितियों को देख लेते हैं। ठीक है, पिरामिड वाली आकार बनी हुई है। मंगल होते हुए ऊपर की तरफ जाना और इसके बगल से मस्तिष्क रेखा का निकलना, वो भी टूट के। आपकी एज अभी हो रही है 17, ऑलमोस्ट 24। ठीक है, और जीवन रेखा नीचे की तरफ। अब आते हैं पॉइंट पे, होना क्या है। फाइनली, जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से आपकी लाइफ, शुरुआती लाइफ, एकदम शुरुआती बचपन से लेके 12 से 14 वर्ष की आयु तक बहुत क्रिटिकल। उसके पश्चात वहाँ से लेके आपने 17-18 साल की आयु तक आपके लिए बहुत ही बेहतर, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम थे नहीं। उसके पश्चात फिर से आपकी लाइफ क्रिटिकल हुई और उस सिचुएशन में आपके साथ प्रॉब्लम आई। ठीक है, जो प्रॉब्लम मैरिज रिलेटेड आपके जीवन में आई थी, वैसी दिक्कतें आपके जीवन में यहाँ पे आ गई। ठीक है, तत्पश्चात आप आगे जा रही हो। फिलहाल आपकी जो आयु है, आपके ऑलरेडी आपने लाइफ में बहुत सारे सारे स्ट्रगल कर रखे हैं, और आगे आपके लिए जो परिस्थितियाँ बन रही है वो कैसे रहने वाली है। आगे आपके लिए परिस्थितियाँ जहाँ तक बताऊँ तो धीरे धीरे सुगम होती चली जानी है। ठीक है, कुछ मामलों में सुगम होती चली जानी है, कुछ मामलों में आपके लिए परेशानियाँ थोड़ी बढ़नी भी है। इसे आप पॉजिटिवली लें, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही मिलता है। बहुत सारे लोगों को आसानी से मिल जाता है, ऐसा देखने में लगता है, लेकिन वास्तविकता में होता है ऐसा कुछ नहीं है। सबको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, कोई अंधेरे में करता है, कोई दिन के उजाले में करता है। ठीक है, लेकिन मेहनत सबको उतनी ही लगती है। बहुत सारे मामलों में कुछ आगे पीछे का भी, पूर्वजन्म का भी रहता है। तो चलो फिलहाल यहाँ पर इस जन्म की ही बात कर लें। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उसका भी जवाब आपको दूंगा, लेकिन पहले स्थितियों को आप समझ लें कि क्या है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे टूट चुकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए, जब आपकी यहाँ पे अभी जो आप जिस एज में हो, इस एज के लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, स्ट्रेस लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपके मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है, तो इससे आपको बचने की ढेरों आवश्यकता है। क्योंकि लाइफ के स्ट्रगल या जो लाइफ में आपके बेनिफिट होने वाले हैं या कुछ अच्छा होने वाला है, उसका आप तभी उसका आनंद ले सकते हैं जब आप स्ट्रांग रहोगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आगे की स्थितियाँ बहुत बेहतर है। आप अभी के स्ट्रेस से आप अगर निकल जाते हो तो आगे आपके लिए स्थितियाँ सुगम है। आगे बहुत ही अच्छी स्थिति में रेखा जा रही है। ठीक है, हमेशा हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कुछ और सोचे ही ना। ठीक है, अभी आप लाइफ बस एक ही नज़र से देख रहे हो, आपने अभी तक चश्मा बदला नहीं है। ठीक है, चश्मा बदलो, दुनिया बहुत बड़ी है, अजब है। जरूरी नहीं है कि आप जो एक चश्मा पहन के एक जगह देख रहे हो, वहां की जो तस्वीर है बस वही रहने वाली है। चश्मा बदलो, पता चलेगा वो तस्वीर दूसरी है। ठीक है, तो ज्यादा अपने सामने वाली तस्वीर पे भरोसा करना भी कभी कभी आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है, तो इस पे भी जरा गौर फरमाएं, ध्यान दें। ठीक है, इसके अलावा चलो नीचे आ जाते हैं। लाइफ आपको अब धीरे धीरे काफी यहाँ पे सपोर्टिव है, जीवन में आपको कोई परेशानी नहीं है, लाइफ लाइन अच्छी है। ठीक है, और लाइफ में जो परेशानियाँ थी ना, बस वो 3 से 4 वर्ष और यहाँ पे, बस यहाँ से तो बस आपका लगभग 29, 28, 29 के बाद तो आपकी लाइफ एकदम बहुत ही सही रास्ते पे आ रही है। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, सब कुछ सही होने जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे खास पॉइंट है,
वो आपकी फिट लाइन की है, इतनी बेहतर हो चली है फिट लाइन की पूछो ही मत। फ्यूचर में आपके पास पैसों के मामले में आप काफ़ी आत्मनिर्भर होने वाले हो, सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हो, आपके लिए अच्छे मौके हैं। फिलहाल थोड़ी सी स्थितियाँ यहाँ पे गलत चल रही थी, केतु का प्रभाव भी आपके विपरीत था। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें केतु का विपरीत प्रभाव होता है। केतु का विपरीत प्रभाव होने पे व्यक्ति के लिए बहुत ही हानि का कारण बनता है, आपके लिए हमेशा हानि के नए नए रास्ते तैयार करता है। जैसा कि आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी करो सफलता ना मिले, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कई बार आप सफलता के कॉर्नर पे जाके आप वापस आए हो, तो ऐसे में केतु आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब आपको कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख ले, आगे की स्थितियाँ क्या है। हृदय रेखा, जो तब से मैं इस लाइन पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन प्रिडिक्शन हो रही है तो जाना ही पड़ेगा। आपकी हार्ट लाइन ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही प्रॉब्लम में है। टूट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ऐसे में मैरिड लाइफ बहुत ही तकलीफ देह हो जाती है, बहुत ही तकलीफ देह हो जाती है, और लाइफ थर्ट वगैरह जब भी रहता है पति या पत्नी पर किसी पर भी, ठीक है, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो तंत्र मंत्र से बचें, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए आपको कुछ रेमेडी लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये समस्या थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे अलग है, ठीक है। बहुत ही कम हाथों में ऐसी स्थितियाँ बनती है जब इस तरीके से रेखाएं उलझी हुई हो, है ना, और ये बार बार जाके आपकी मस्तिष्क रेखा पे चली जाती है, हाँ हावी हो जा रही है, तकलीफ दे रही है, जज्बात हावी हो जा रहे हैं, दिमाग से काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जज्बातों से काम लिया जा रहा है, सिर्फ भावनाओं में लोग बह रहे हैं, भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति आपके लिए विकट हो जाएगी, कृपया ध्यान दें, भावनाओं में ना बहे, ठीक है। आपके और इस हाथ की यहां से देखता हूँ, ठीक है, हाँ ये जो यहाँ पे है, अब शनि की स्थिति, ये देखो शनि को सूर्य की तरफ से आती हुई रेखाएं काट रही है। सूर्य और शनि इन दोनों के बीच जब वलय की स्थिति जैसी बन जाए तो व्यक्ति को लाइफ में काफी स्ट्रगल करवाती है, ठीक है, काम भी काफी करवा लेती है, पैसे भी नहीं देती, तो ऐसी स्थिति सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे पैदा कर रही है, ठीक है। लेकिन इससे आप बच सकते हैं, इससे बचने के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ रेमेडी आप इसके लिए कर सकते हैं, जो कि आपके घरेलू कुछ उपाय हैं वे सब आपको इसमें मदद करेंगे। और इन सब की खास आयु तय है, इन सब की आयु बहुत जल्द खत्म ही होने वाली है, मतलब ये जो गलत रेखाएं हैं, जो बुरी रेखाएं हैं आपके लिए, वे सब अब लास्ट पोजिशन में है, वे लोग वे अब निकलने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 28 से 29 यहाँ तक होते होते ये चीज़ें स्वतः खत्म होती चली जाएंगी, इनका ही जो आक्रमण क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपके लिए अच्छी स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो अब सीधे आते हैं पॉइंट पे और बताते हैं आपकी बात। यहाँ पे मंगल और चंद्र, चंद्र की स्थिति तो अमूमन अच्छी भी है, मंगल की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति सामान्य है, ठीक है। बिजनेस वगैरह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बिजनेस में ही अच्छा होने वाला है, खुद का अपना कारोबार करें आप, जॉब वगैरह करना आपके लिए सही नहीं रहेगा, फॉरेन टूर के भी चांसेस हैं, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी टाइम पे, अभी नहीं। इसके अलावा देश के अंदर छोटी बड़ी यात्राएं आपकी होती रहेंगी, चलो अच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल जो आपका क्वेश्चन था कि ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन आ चुके हैं और फिलहाल जो आप चाहती हैं वे आपको प्राप्त होंगे या नहीं, तो फिलहाल जो आप चाहती हैं उसके लिए जो हृदय रेखा की जो स्थितियां बन रही हैं उसमें फिलहाल थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि दोबारा से जैसे ही वो रेखा चली है उसमें थोड़े से कट्स हैं जो कि आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसके लिए
ट्राई कर सकती हैं, इन चीज़ों को इन पे काबू पा सकती हैं। इसलिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, आप ये कर सकती हैं। फ्यूचर की अगर बात करूँ तो फ्यूचर में प्रिडिक्शन जो है वो तो यही है कि आप अगर आगे जाएंगे तो आपकी लाइफ आगे भी थोड़ी सी क्रिटिकल है ही। लाइफ में आपका ऐसा नहीं है कि आगे बहुत ही स्मूथ चली जा रही है। आगे मैं 8 वर्ष, 8 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स तक अगर बात करूँ तो एक रास्ते में आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल है, दूसरा रास्ता आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अब आप जिस रास्ते पे अभी जा रही हो उसमें आपके साथ क्या है, उसमें आपके साथ थोड़ी सी स्थितियाँ विपरीत हैं। उन चीज़ों को आप अगर अपने पक्ष में और अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इससे संबंधित चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना होगा, उन चीज़ों पर बड़ा गौर फरमाना होगा, ठीक है, ताकि उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं इसमें बस यही सजेस्ट करूंगा कि बस चीज़ों का आप उन तरीके से समझें जो कि एस्ट्रोलॉजी होती है, मैं सीधे उस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डबल लाइनिंग हो गई, नीचे की तरफ आ गई, एक ने क्रॉस कर दिया, ठीक है, दूसरी लाइनिंग आ गई नीचे की तरफ आ गई, ये लाइन यहाँ पे इतनी मोटी हो गई है ना, ये देखो इतनी मोटी हो गई, जहाँ से भी आप निकल रहे हो यही सब वो क्षेत्र है, ये आगे की तरफ आ गई, ठीक है। फिर यहाँ से रेखा निकली, मतलब तीन चार रेखाओं के जोर से निकली, तो ये स्थितियाँ आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल पैदा कर रही है। हाथ की रेखाएं हैं, बदल सकती हैं, बदल जाएंगी, लेकिन उससे आपको उसके रिगार्डिंग जो रेमेडी है वगैरह ये सब आपको निश्चित रूप से करके देखना चाहिए ताकि उससे आपको लाभ की स्थिति बन सके, ठीक है। अब आपको देखते हैं इनकी स्थिति आखिर क्या है। आपकी जो पहले वाली लाइनिंग थी जो कि आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम जिसमें आपको क्रिएट हुई, वे लाइनें कौन सी थी, वे लाइनें थी ए वाली जो कि निकल चुकी है, ठीक है। आपके लिए आगे चांसेस बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। आपके मन में जो है उसके लिए मूलतः जो वैवाहिक रेखाएं हैं, जो स्थितियां हैं, वे आपके सपोर्ट में हैं, वे आपको सपोर्ट कर रही है। ये सीधे तौर पे बताती है एक निष्ठा को, जैसा कि जो एक निष्ठा आप में है उसी एक निष्ठा को ये दर्शाती है कि व्यक्ति एक के प्रति एक निष्ठ है और इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं सोचता है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर बात करें तो आपकी वैवाहिक रेखा पूर्ण रूप से उन रेखाओं की, उन स्थितियों के लिए तैयार है, उन स्थितियों के प्रति सक्षम है जो आप चाहते हैं, जैसा रिलेशन आप चाहते हैं, जो भविष्य के लिए जिसके साथ आप मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ मैरिज के पूरे चांसेस आपको दे रहे हैं, लेकिन आसानी से नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ से तो पूरी तरीके से हाँ है, लेकिन हॉटलाइन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, हॉटलाइन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, मतलब व्यक्ति के घरेलू स्तर पर उन चीज़ों को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, वहां से प्रॉब्लम आ रही है। और एक छोटी सी रेखा यहाँ पे और दिख रही है, ठीक है, एकदम प्यूरी तरीके से मछली की तरह दिख रही है, जैसा कि आप जानते हैं केतु क्षेत्र में छोड़ के मछलियों का और कहीं उपयोग नहीं है। आपके वैवाहिक रेखा के पास में मछलियाँ की उपस्थिति है और फिर भी लाइफ में इतनी स्ट्रगल, सीधे तौर पे बता रही है, कहीं भी बता देती है कि मछली अगर केतु के क्षेत्र के छोड़ के और कहीं भी हो तो व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, और ये घातकता आपको यहाँ पे इसने दिखाई है। लेकिन यहाँ पे इसकी उपस्थिति न होना, यहाँ पे न होना आपके लिए अच्छी स्थिति है, ठीक है। एक पुत्री की प्राप्ति आपके जीवन में है, पुत्र का योग अभी तक नहीं है, ठीक है। तो आपको उन चीजों के प्रति कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनको आपके विरोध में ले जा रही है, ठीक है, तो उन चीजों को अपने पक्ष में आपको करना है, वैसे किस्मत का आपको साथ मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, और जो आप चाहती हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। लाइफ में आगे करियर के मामले में तो उसमें तो आंख मूंद के समझ लो कि आपके काफी ग्रोथ है, काफी ग्रोथ है, काफी आगे तक जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्द
बिजनेस से आप जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे और लाइफ में काफ़ी आगे तक जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल का थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और आप बर्दाश्त कर लो, ठीक है, स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, मेरी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि लोगों को उलझी हुई लगती हैं, चूँकि इसका कारण है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारी मर्यादाएं हैं, उन चीज़ों को इंसानियत की नज़र से देखते हैं, उसी नज़र से आपको भी देखते हैं, ठीक है। तो आपसे भी हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है, एक क्लाइंट से बट के होता है सब लोगों के प्रति, क्योंकि उससे पहले आप लोग कोई ना कोई अपने ही हो, तो जैसे ही हमसे जुड़ते हो तो एक फ्रेंड वाली फीलिंग आती है। तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा सोचता हूँ, अच्छा से अच्छा बताना चाहता हूँ। उसमें निश्चित रूप से एज ए वेल विशर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से छुपाता हूँ, छुपाना भी चाहिए, क्योंकि वे छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको परेशान काफ़ी कर देंगी, लेकिन टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए है, वे चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अगर वैसी नुकसान वाली बात होती है ना, तो मैं सीधे तौर पर बता भी देता हूँ या रेमेडी सजेस्ट कर देता हूँ, और जब भी रेमेडी सजेस्ट करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पे ही करता हूँ। जनरली तो मैं कभी किसी को बोलता भी नहीं कि आप किसी प्रकार की रेमेडी, स्टोन वगैरह कुछ ले लो, लेकिन जब बोलता हूँ ना तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात होती है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इसके लिए आप टेंशन मत लेना कि मैंने आप में कुछ असल छुपाया है, जो होना है वो सब आपको बताया है, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात उलझी हुई कभी लगे तो आप व्हाट्सएप पे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर।